लास्ट ऐप तो वाइट नहीं होता, मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं। कोई काटती है? बिल्कुल नहीं। सच्ची सच्ची बताना, किस पर गलती है? एक बात ये है जी, लाइफ प्रूफ। तो इसके मुंह में हाथ डाल के देखा और वो मैम कह रहे हैं ऐसे नहीं, ये तो दे आर सो अग्रेसिव। इन्होंने भी कमेंट में तो गलत कहा। श्री साईं पेट्रोल के नए वीडियो में दोस्तों मैं गुरदीप सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि लासा एप्सो अग्रेसिव होता है। मुझे किसी ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा कमेंट था। उन्होंने पूरा पूछा है कि हाँ भाई कि क्या लासा एप्सो की खासियत है, क्या वो काटते हैं या नहीं काटते हैं। तो उनको रिप्लाई में किसी ने बहुत ही कह लो कि नेगेटिव बातें मैं कहूँगा कि उन्होंने बोली हैं। ठीक है, उनके पास है लासा, उनके लासा ने जो बिहेव किया तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, मैं उनको गलत नहीं कहता। लेकिन गलत क्या है, ब्रीड के बारे में जो उन्होंने बोला वो मुझे लगता है कि गलत है। मेरे को यहाँ पर नाम है जी नाजिया, ठीक है जी। इन्होंने मेरे को कमेंट किया है कि हाय, आई हैव सीन योर फॉलोइंग, आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियोज एंड आई रियली अप्रिशिएट द डिटेल्स ऑफ you provide. We are planning to introduce a new family member but we have a lot of concern about the, it would be really helpful if you would be like to make a video about the same. ठीक है जी, and thank you in advance, we have Lhasa in mind. तो इनको reply में जो उन्होंने दिया है ये है जी Alisha, ठीक है जी। इन्होंने रिप्लाई किया है तो इनके रिप्लाई का मैं आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले इनके आंसर में, अभी रिसेंटली मैं किसी के घर में मैंने लासा एप्सो फीमेल दी हुई थी, तो जस्ट कह लो कि उनके घर में मेरा जाना था तो मैं उनको मिल के आया हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम हम उनसे मिले हैं, तो ये वीडियो आप चेक कीजिए। लूसी, लूसी ये पहली बारी मिली तो लोग कहते कि हाँ भी वड़दे नहीं लासा। नहीं नहीं तो बहुत क्या है। अरे मैम कई लोग ना वो फिर दूसरों को वो कर देते ना, पता नहीं स्मेल आ रही। दसो 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 अभी रखो अपने डॉग के लिए। बस अपने होता ये वीडियो आपने देखा, आपको इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा लाइव प्रूफ, ठीक है जी। ये है जी लासा एप्सो। सबसे पहले बात, लासा एप्सो वाइट नहीं होता, मेरे को बहुत सारे कॉल्स आते हैं, हर एक को मैं कहता हूँ कि वाइट कलर का लासा एप्सो नहीं होता, इसके कानों के ऊपर रेड है जो अब लाइट हो गया है। बाद में पीठ के ऊपर 3 पैचेस थे जो बाद में लाइट हो गए हैं, बालों की हमने कटिंग कर रखी हुई है इसकी, ठीक है जी। तो ये हमारा बेटा है जी साथ में मेरा नीरव। नीरव ये बताओ जोई काटती है? बिल्कुल भी नहीं। जोई का बिहेवियर क्या अग्रेसिव है? नो। सच्ची सच्ची बताना। सच्ची नहीं, अग्रेसिव। प्यार करती है? लवफुल है? किस तो करती है, एक बात ऐसी। और वो मैम कह रहे हैं कि नहीं ये तो दे आर सो अग्रेसिव। तो इसके मुंह में हाथ डाल के दिखा, ये लो काट का। ऐसे दिखाओ ना, एक सेकंड, ऐसे ऐसे देखो, काली नहीं काली ना। फिर जिन्होंने भी कमेंट लिखा वो गलत है। ये है जी लाइव प्रूफ, अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ करें। ये देखो इतने कामली आराम से बैठी है, ठीक है जी, शांत। जो तो अब मैं इनके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहूंगा। ये दूसरे फोन पे मैंने कह लो के इसको किया हुआ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने। तो सबसे पहले जी नाजिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें फॉलो करते हैं, आप हमें देखते हैं। और इनका भी यानी कि जो इनके रिप्लाई जिन्होंने दिया है अलीशा जी, ये भी इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमें देखते हैं, इन्होंने देखा है, इन्होंने कह लो कि कमेंट पढ़ा है और उसके बाद रिप्लाई किया है। आप बिल्कुल सही हो मैम, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, लेकिन क्या होता है कि ना जो लोग डॉग सेल करते हैं प्रॉब्लम उधर है, उस स्टेज पर है। तो मैं उनको आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो इन्होंने पूछा है डू दे शेड लॉट ऑफ हेयर, ठीक है जी, बाल इनके शेड होते कि नहीं होते। ये देखो जी इस समय, ये बेटा ये लो,
सबसे पहला आंसर ये है कि सबके बाल बराबर, ऑलमोस्ट बराबर झड़ते हैं, किसी के ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन ये कंट्रोल हो सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं। मैं यूज़ करता हूँ एडवांस्ड न्यूट्रीकोट, ठीक है जी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप अपने डॉग को दीजिए। जब इसका सीज़न आता है बाल झड़ने का, तो वो बहुत 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 कम हो जाएगा, ठीक है जी। लासा ऐप से वैसे भी आपको मैं क्लियरली कहूँगा, लोग सोचते हैं कि छोटे बालों वाला डॉग लो, जितने छोटे बाल उतनी प्रॉब्लम ज़्यादा, जितने बड़े बाल उतनी प्रॉब्लम कम, क्योंकि बड़े बाल उड़ते नहीं हैं, छोटे बाल जो हैं आपको गिरने तो सबके हैं, ठीक है जी। वो छोटे बाल आधे इंच का बाल उड़ेगा, ठीक है जी, और वो आपके नोज़ में भी जाएगा, मुंह में भी जाएगा, बर्तनों में भी जाएगा, और वो ज़्यादातर इनविजिबल होते हैं। तेरे को नींद आ रखी है, चल सो जाओ, रहने दे इधर ही, ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आर दे गुड विद किड्स, तो इनके पास 3 साल का बेटा है और 1 साल की डॉटर है, तो इसका आंसर तो आप मेरे ख्याल में आपके ये क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही आपको मिल चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं है, जो वीडियो मैंने आपसे पहले शेयर किया, देखो हम उनके घर में पहली बार गए हैं, ठीक है जी, फर्स्ट टाइम उसको मिले हैं, और कितने प्यार से वो कितने खुश होकर मिले हैं। लासा एप्सो में सिर्फ एक बात है, अगर जो स्ट्रेंजर है अगर उसको थोड़ा डराने की कोशिश करेगा, जैसे कोई चोर आ गया है या कोई और आ गया है, तो वो उसको रिप्लाई करते हैं, उसकी रिप्लाई में वो भौंकते हैं, उसको शोर मचाते हैं, तब वो उसको टच नहीं करने देंगे अपने आप को, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, अपने बच्चों के साथ बिल्कुल सही है ये। डू दे च्यू फर्नीचर और अदर हाउस होल्ड, बिल्कुल नहीं जी। ये प्रॉब्लम जो है ये बीगल ब्रीड में है, ये प्रॉब्लम जो है ये हस्की ब्रीड में है, ठीक है जी। जो हाइपर एक्टिव ब्रीड्स होती हैं उनमें ये दिक्कत है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। मेरे साथ मैंने इतने लासा सेल किए हैं, आज तक कभी भी मुझे ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। डू दे ड्रूल अलॉट, बिल्कुल नहीं जी। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू ट्रेन देम, बहुत आसान है जोई, जो बहुत आसान है जी, कोई ऐसी बात नहीं। तो सारे डॉग्स को सिखाना आसान है, सिर्फ 2-3 ब्रीड्स मैं कहूँगा, जैसे कि चाओ चाओ है, वो थोड़ा सा कम सुनते हैं, कम ध्यान देते हैं, और ऐसी ही बड़ी ब्रीड्स 1-2 मेरे ख्याल में और हैं, जिनको थोड़ा सा कह लो कि समझाना या मनाना थोड़ा मुश्किल है। व्हाट इज़ द एवरेज मंथली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस ऐसे है जी, महीने में एक बार ग्रूमिंग कराओ, आपकी ग्रूमिंग 300 रुपये में हो जाए, आपकी ग्रूमिंग 500 में हो जाए, आपकी ग्रूमिंग 1000 रुपये में हो जाए, महीने में एक बार ग्रूमिंग आप चाहे बाहर से करवाओ, खुद कर सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। देखो मेरा हाथ चाट रही है, आप लाइव देख सकते हो, और लोग कहते हैं कि अग्रेसिव है, कैसे माने इस बात को। बात तो कितनी बार बात करवाना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है अभी रिसेंटली, उसमें लोग आपस में चैट कर रहे हैं कि हाँ जी मैं अपने डॉग को महीने में 3 बार नहलाता हूँ, मैं 4 बार नहलाता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार नहलाता हूँ। रॉन्ग है जी, कोई भी डॉग है, इस बात का आंसर ये है, आपको महीने में 1 बार नहलाना है, ठीक है जी। इनके बालों को नहलाने के बाद 3 बार कम से कम आपने ड्रायर से सुखाना है, बालों के अंदर जो है, जो इसकी स्किन है, वहाँ तक जो पानी है वो सूखता नहीं है, सूखने में इनको 10-10, 12-12 घंटे लग जाते हैं। तो उसका शॉर्टकट ये है कि आपको 3 बार या 4 बार इसको ड्रायर से आधे आधे घंटे के इंटरवल में आपने ड्रायर करना है, तो इनके बाल सूखेंगे। जो लोग महीने में 3 बार नहला रहे हैं, 4 बार नहला रहे हैं, उनको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उनको स्किन इन्फेक्शन होने का डर है, और वो होगा ही होगा, 100% होगा। फिर बाद में लोग कहते हैं कि यार इसकी बॉडी में से स्मेल आ रही है, हम इसको नहलाएं, फिर नहलाना मजबूरी हो जाती है, जबकि वो भी गलत है। जब भी डॉग को स्किन इन्फेक्शन होगा तो आपका वेटनर आपको सबसे पहले यही बोलेगा कि इसको नहलाना बंद करो, तो भाई पहले ही हमारी सुन लो ना। कैन यू गिव देम ओनली होम फूड, देखो जी यहाँ पर फूड की बात है, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि डॉग फूड जो बना हुआ है, पेडिग्री है, रॉयल केनाइन है, और नेस्ले का फूड है, ये दो ना, आप घर का खाना क्यों दे रहे हो, दो नो प्रॉब्लम, दिन में 1 बार दे दो, हफ्ते में 3 बार दे दो, 4 बार दे दो, कोई इशू नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सिर्फ घर का ही देना है, डॉग फूड बना है उसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं, इनके लिए ही स्पेशल बनाया गया है, अब वो ज़रूर दो, वही दो, मैं तो यही कहूँगा। मैं अपने सभी डॉग्स को वही देता हूँ जी, मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार घर की चपाती या कुछ भी है वो मैं उसमें मिक्स करता हूँ, पनीर देते हैं हम, एग्स देते हैं हम, तो ये है जी इसका आंसर। विथ जेंडर इज़ द बेस्ट,
देखो जी, मैं मेरी वोट यहाँ पे हमेशा और हमेशा फीमेल डॉग के लिए जाएगी। मेल डॉग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको पता है। अब मैं इस वीडियो में ऑनलाइन में ये बातें यानी कि नहीं कर सकता, तो इसके लिए आप मेरे को कॉल कर लीजिए या फिर आप यूट्यूब पे या गूगल पे आप जितना मर्ज़ी सर्च कीजिए, आप यहाँ वहाँ पर टाइप कीजिए कि वाई फीमेल डॉग इज़ बेटर देन मेल डॉग, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस शायद लोगों ने बनाए हो तो वो भी मिल जाएंगे। लेकिन वाई मेल डॉग इज़ बेटर देन फीमेल डॉग, ये आपको मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों का लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। डू यू शिप इन मुंबई? जी बिल्कुल जी, ये मुंबई से हैं। देखो जी, अभी मेरे को पता लगा कि ये मुंबई से हैं। तो ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है, हम सब जगह प्रोवाइड करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो अलग से हैं, मुंबई तक का मेरे ख्याल में 8,000 रुपये डिलीवरी चार्ज है। और एक और कंडीशन है कि पेमेंट शुड बी इन एडवांस मोड। मेरे ख्याल में ये इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल द पेमेंट मोड्स? जी बिल्कुल, तो पेमेंट शुड बी इन एडवांस मोड विद शिपिंग चार्ज। शिपिंग चार्ज भी जो होगा वो हम सबसे पहले एडवांस में लेंगे, ठीक है जी। अब आएगा कैसे? ट्रेन में आ सकता है, और क्या इसका नाम है, वाया कार में आ सकता है। ये हमारे जो शिपिंग करते हैं मिस्टर रोहित, ये वो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे लेके जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, ऑल इंडिया हम भेजते हैं बच्चे, और कह लो कि कभी कोई आज तक प्रॉब्लम आई नहीं है, तो ना ही भगवान करे कभी आए किसी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, कैसे आएगा, जनरल डब्बे में आएगा, एसी डब्बे में आएगा, या कार में आएगा, या बस में आएगा, कैसे भी आए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है, ठीक है जी, कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड येस, डू दे हैव अ स्ट्रॉन्ग डॉग ऑर्डर? इस बात का आंसर मैं बता चुका हूँ, जब नहाने वाला जो आपने क्वेश्चन किया था, तो वो आंसर है जी। मतलब ही नहीं जी, स्मेल आ जाए अगर आप महीने में एक बार नहला रहे हो। एक क्वेश्चन जो है जो इन्होंने नहीं पूछा, मेरे ख्याल में अगले में ना पूछा हो, नहीं उसके बाद आंसर्स हैं। तो ग्रूमिंग जो है, ब्रशिंग जो है, वो बहुत ज़रूरी है। नहलाओ चाहे आप 2 महीने में एक बार, 1.5 महीने में एक बार, लेकिन ब्रशिंग जो है वो ज़रूर करो। हफ्ते में 2 बार 3 बार अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीकली तो करनी ही करनी है, बहुत ज़रूरी है। आपके डॉग में से स्मेल आ जाए हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। आप ब्रशिंग करो, ब्रशिंग से इसके बाल जो हैं बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये तो शिह ट्ज़ू को भी बीट कर देते हैं, इतनी अच्छी कह लो कि इसके जो कोट है इतना अच्छा है। अब मैं एक और बात छोटी सी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि इनके डॉग में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर होता क्या है, देखो जी, जो हमारे पास डॉग का प्राइस है या फिर लासा एप्सो का प्राइस है, लासा एप्सो के जो जेन्युइन ब्रीडर हैं वो मेरे ख्याल में पूरे इंडिया में आपको 10-12 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है जी। उनके पास ज़्यादातर लोगों के पास ब्रीड है ही नहीं, तो उन लोगों को पता क्या होगा इस बारे में। तो क्या करते हैं, पोमेरियन का बच्चा, पोमेरियन का जो ब्रीड है उसको शिह ट्ज़ू से क्रॉस करवा देंगे। पोमेरियन का लीटर जो है वो बहुत सस्ता सेल होता है। पोमेरियन का जो एक मेल है वो 6,500 से 7,500 या 8,000 रुपये उसका रेट है, ठीक है जी। तो लासा का रेट तो उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। तो वो क्या करते हैं कि अब कस्टमर को क्या बोलेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, फिर से रिपीट करूँगा कि मुँह पे बाल होने से, इनकी मुस्टैशिज होने से लासा नहीं होता, टांगों के ऊपर बाल होने से लासा एप्सो नहीं होता। अगर कान उसके नीचे बैठे हुए हैं, इट मींस वो लासा की पहचान सिर्फ यही नहीं है, यहीं पे गड़बड़ होती है। हल्का सा कान फ्लाई हुआ, नो प्रॉब्लम जी, ये लासा ही तो है, लासा के तो फीचर्स ही यही हैं, यहीं पे गड़बड़ होती है। तो पोमेरियन को क्रॉस करवा देंगे शिह ट्ज़ू से, पोमेरियन को क्रॉस करवा देंगे लासा एप्सो से, आगे क्या ब्रीड बन गई, लासा टेरियर। ये सारे एक्सपेरिमेंट, मैं तो एक्सपेरिमेंट कहूँगा, ये पोमेरियन के साथ ही होते हैं। चौचौ को क्रॉस करवा देते हैं पोमेरियन के साथ, समायद बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है लोगों ने, ठीक है जी। वाइट हस्की बनाने के लिए हस्की डॉग को, साइबेरियन हस्की को क्रॉस करवा देंगे वाइट पोमेरियन के साथ, कि ये लो जी ये वाइट हस्की आ गया हमारे पास, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है लेकिन दिस इज़ द ब्लू आइज हस्की पपी। क्या करें जी, अब बताइए। तो ये दिक्कतें आती हैं, फिर आगे वो उसमें से जो बच्चा उनको लगता है कि ये लासा जैसा लग रहा है, ये पोमेरियन जैसा लग रहा है, उस हिसाब से उसको सेल कर देते हैं। सेल कर दिया जी, दे दिया किसी को, या दे दिया या जो भी किया या सेल किया, आगे प्रॉब्लम आनी है। और ये भी जो केस है ये भी किसी के साथ हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है।
डॉग है जी, डॉग का बिहेवियर है, सभी डॉग्स एक जैसे नहीं हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है। हमारे मार्केट में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा बुरे लोग भी काम कर रहे हैं जिन्हें सिर्फ सेल से मतलब है, ठीक है जी, कि हमें सेल करनी है, आज के हमारे पैसे हमें बनने चाहिए, दैट्स ऑल। तो लासा एप्सो के बारे में मुझे लगता है इतना डिटेल्ड वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया, तो थैंक यू जिन्होंने हमारा वीडियो देखा, हमें कमेंट किया। आगे भी आपके कोई सवाल हैं आप हमें पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई सवाल है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं सिर्फ कोशिश करूंगा कि मैं उसका आंसर दे सकूं। इन्होंने भी मुझे लगता है हफ्ते से ज़्यादा हो गया मेरे को केवल कमेंट, मैं नहीं बना पाया वीडियो, मैं नहीं बना पाता, मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उतना ही करता हूं। तो लासा एप्सो इज़ ए वेरी गुड ब्रीड, मेरे को बहुत पसंद है, जितने लोगों को मैंने दिया है सबको बहुत पसंद है। क्यों बेटा ये लो, मेरे को भी पसंद है लासा एप्सो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नाम बताता हूँ, किंग लियोन गेमर।